मुनव्वर का शो हैदराबाद में होने वाला है नहीं होने वाला है, कई सारे सवाल जवाब मन में हो रहे थे क्योंकि वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियन हैं उन्होंने कहा था कि यहाँ पे मैं मुनव्वर का शो नहीं होने दूंगा, अगर शो हुआ तो मैं स्टेज को आग लगा दूंगा और यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऑलमोस्ट 1000 पुलिस वहाँ पे थी, पुलिस प्रोटेक्शन उन्हें दी गई थी शो के दौरान मुनव्वर के पीछे स्टेज पर, और स्टेज के ठीक नीचे पुलिस प्रोटेक्शन दिखाई दे रही थी जब मुनव्वर परफॉर्म भी कर रहे थे। लेकिन अब वहाँ के एक पॉलिटिशियन ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो है मुनव्वर पे लगा दिया है, बीजेपी के चीफ बंदी संजय कुमार, इन्होंने एक बड़ा इल्ज़ाम मुनव्वर पे लगाया। चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, बता दें आपको कि उनका कहना है कि मुनव्वर जब से हैदराबाद में आया है तब से हैदराबाद में ज़्यादा टेंशन और क्लैशेस बढ़ने लगे हैं, और जानबूझ के मुनव्वर का शो ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि लोगों का अटेंशन जो है वो डाइवर्ट किया जाए। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है KCR फैमिली, उनका रोल जो है दिल्ली के शराब के स्कैम में है, और इस तरीके से उन्होंने इस जगह से, मतलब वो जो स्कैम चल रहा है वहाँ से लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मुनव्वर को बुलाया, ताकि उन्हें पता था अगर मुनव्वर आएंगे तो हम कुछ ना कुछ बोलेंगे, जिसके चलते पूरा अटेंशन जो है चीफ मिनिस्टर साहब से डायरेक्ट किया जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, और जिसके चलते हम बीजेपी के अगेंस्ट लोग बोलने लगेंगे कि हमने ये अनरेस्ट किया है, लेकिन हम यहाँ पर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम सुधारना चाहते हैं यहाँ का स्टेट, लेकिन यहाँ पर लोग करने नहीं दे रहे हैं। एंड मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुनव्वर जैसे कॉमेडियन को क्यों यहाँ पे हमारे स्टेट में बुलाया जा रहा है। कई बड़े बड़े स्टेट्स ने उसे बैन कर रखा है, उसने हमारी सीता माँ और राम जी के ऊपर कई सारे जोक्स बनाए हैं, सारी हदें तोड़ दी है, तो ये सूडो सेक्युलर लोग कहाँ हैं, उन्होंने अभी तक इन सारे रिमार्क्स के ऊपर कंडेम क्यों नहीं किया है। इस तरीके से जो है बड़ी स्टेटमेंट दी हुई है तेलंगाना के बीजेपी चीफ बंदी संजय कुमार जी ने। वेल, इसके ऊपर आपका क्या है कहना, व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट, क्या मुनव्वर को जानबूझ के वहाँ पे उनका शो ऑर्गेनाइज करने के लिए बुलाया गया था ताकि वहाँ पे जो मेन स्कैम हुआ है उस स्कैम का पूरा अटेंशन लोग डाइवर्ट कर पाए और यहाँ पे देख पाए, क्योंकि अगर उनकी बात माने तो उनका कहना है कि अभी वहाँ के जो लोग होंगे वो वोट नहीं करेंगे उनके पार्टी को, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम आया है। तो ये सारी चीज़ों को दबाने के लिए मुनव्वर को वहाँ पे बुलाया गया था। व्हाट्स योर टेक, लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल सी यू सून।